Dear students, welcome in the lecture on metal alkene complexes, their preparation and properties. Okay, तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां पर हम मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज भी सम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. तो मेटल एल्कीन्स को अगर हम देखें तो मेन हम थ्री मेथड्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिसकी हेल्प से उनकी प्रिपरेशन की जा सकती है. तो पहली जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसको हम डिस्कस करेंगे. और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब हम दिखा रहे हैं जबकि जो मेटल है वो अपने लो वैलेंट स्टेट में है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी, तो उस समय वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है. ये देखेंगे कि जनरली जो मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरली वो चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग सिंथेसिस. तो यहां पर आप देख सकते हैं प्लेटिनम का टेट्राक्लोरो कॉम्प्लेक्स है, पोटेशियम टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, ये जब एल्कीन से रिएक्शन कर रहा है, C2H4 से रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ये क्या बना रहा है जी, ये सॉल्ट बना रहा है. और ये जो सॉल्ट है यहां पर आप देख सकते हैं CH2 और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये ओलिफिन है, एल्कीन है, और ये प्लेटिनम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है. यहां पर जो प्लेटिनम है उसके ऊपर +2 चार्ज है और यहां पर भी +2 उसकी वैलेंसी है. तो इसका मतलब है कि मेटल पहले से ही अपने लो वैलेंस स्टेट में है तो उसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है. देखेंगे जो रिप्लेसमेंट होता है जनरली 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड का होता है, क्योंकि यहां पर Cl जो है एक Cl- एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये इजीली 2 इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या कर सकता है, एक्सचेंज या सब्स्टिट्यूट कर सकता है. यहां पर भी आप एग्जांपल्स देखेंगे, आयरन का कॉम्प्लेक्स है और C2H4 यानी एल्कीन से रिएक्शन करके आप ये कह सकते हैं कि एक लो वैलेंट जो मेटल का कॉम्प्लेक्स है वो ओलिफिन से रिएक्शन कर रहा है और वहां पर कोई एक लिगेंड जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है वो इस ओलिफिन को रिप्लेस कर रहा है. तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पर जो आयोडाइड है वो C2H4 को रिप्लेस कर रहा है और ये देखिए मेटल ऑल्कीन कॉम्प्लेक्स बन गया. ऐसे ही आप देखिए FeCO5, यहां पर Fe जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये एक ओलिफिनिक कॉम्पाउंड से रिएक्शन कर रहा है और एक CO इस एल्कीन को रिप्लेस कर रहा है क्योंकि एल्कीन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट कर रही है. तो इस तरीके से आप देखेंगे मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं और यहां पर एक CO रिलीज हो जाएगी. अगेन आप पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स देखिए, यहां पर ये जो साइक्लोऑक्टाडाइईन है ये एक जो साइक्लोऑक्टाडाइईन है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर. तो ये क्या करेगा कि इस PHCN- 2 जो लिगेंड है जो कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इनको रिप्लेस करके खुद यहां पर अटैच हो जाएगा और ये मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. दूसरा मेथड हम डिस्कस करेंगे, वहां पर क्या होगा, एक हाई वैलेंट मेटल का रिडक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन. तो जनरली एल्कीन क्या करती हैं, उसका रिडक्शन करती हैं. फॉर एग्जांपल देखिए NiCl2 है, यहां पर Ni की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और जब ये C2H4 से रिएक्शन कर रहा है तो C2H4 क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस करेगा और Ni0 में इसको कन्वर्ट कर देगा. तो क्या कर रहा है कि जो हाई वैलेंट स्टेट है वो हाई वैलेंट स्टेट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ओलिफिन. तो ये एक ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स बन गया. ऐसे ही देखिए निकिल का ये कॉम्प्लेक्स है, जब ये एक ओलिफिन से रिएक्ट कर रहा है तो जनरली आप देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स है वो ओलिफिन से रिएक्ट कर रहा है और जब वो ओलिफिन से रिएक्ट कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर देखेंगे कि ये जो ओलिफिन है ये ओलिफिन इस ओलिफिन को रिप्लेस करके खुद देखिए कितना स्ट्रांग बॉन्ड बना रही है कि ये साइक्लोमेटला प्रोपीन का फॉर्मेशन कर रही है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो ओलिफिन है वो क्या कर रही है, हाई वैलेंट जो मेटल आयन है उसको क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है. यहीं पर आप देखेंगे रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, देखिए RSCl3 जहां पर रोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है और यहां पर आप देखिए कि यहां पर नॉरबोर्नेडाइन लिया हुआ है
ये जो नॉरबोर्नेडाइन है ये देखिए यहाँ पर अटैच हो गया और ये अटैच होके इसने ये कॉम्प्लेक्स बना दिया ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स, जहां पर आर एच को अगर आप देखेंगे तो इस ये आर एच क्या है वन, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है वन हो जाती है, क्योंकि ये जो हाई वैलेंट स्टेट है लो वैलेंट स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ओलिफिन। और यहां पर आप देखेंगे ये जो एल्कोहल ये खुद क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ओलिफिन एंड हाई वैलेंट मेटल। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं इस RHCl3 की रिएक्शन अगर C2H2 से कराएं तो इस तरीके का हमें ओलिफिन या आप एल्कीन कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, एल्कीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके देन यहां पर देखिए आप अगेन ये एक कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स में आप देखिए साइक्लो ऑक्टाडाइन यानी 1,5-डाइन हमने लिया हुआ है 1,2,3,4,5 तो ये क्या है 1,5-साइक्लोक्टाडाइन। तो ये जब रिएक्शन करता है इसे कॉर्ड कहते हैं और ये कॉर्ड जो है इसकी प्रेजेंस में आप देखेंगे जब ये रिएक्ट करता है तो ये जो पीटी है ये क्या हो जा रहा है देखिए जीरो जो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रिड्यूस हो जा रहा है और ये मेटल ओलिफेनिक कॉम्प्लेक्स दे रहा है PtCOD2। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो एल्कीन का सिंथेसिस है वो हाई वैलेंट मेटल रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ओलिफेन। जो मेथड है थर्ड मेथड ये हम जो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये एल्काइल से भी बना सकते हैं, मेटल एल्काइल्स की रिएक्शन के थ्रू हम या उसके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जहां पर यहां पर टेंटेलम का कॉम्प्लेक्स है और इस टेंटेलम के कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हमने देखी है एल्काइल ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कुछ ग्रिगनार्ड रिएजेंट है इसके साथ हमने कराई है। तो यहां पर पहले क्या होगा ये जो ब्यूटेन है वो जुड़ जाएगा और ब्यूटेन जुड़ने के बाद देन यहां पर क्या होगा बीटा एलिमिनेशन तो क्या होगा आप देखेंगे यहां पर जैसे ये देखिए यहां पर तीन BU हैं TACPU साइक्लोपेंटाडाइनाइल और एक ब्यूटेन ये है और दो ब्यूटेन ये है, तीन ब्यूटेन जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर जो बीटा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो देखिए यहां पर जुड़ गई है और ये ब्यूटीन कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो यहां पर दो प्रोसेस होती है, एक बीटा एलिमिनेशन होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन, तो बीटा पोजीशन से जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो गई और उसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ और दो BU यहां से सेपरेट हो गए एक ब्यूटीन के फॉर्म में और एक ब्यूटेन के फॉर्म में और हमें ये कॉम्प्लेक्स मिल गया देखिए मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स। तो एल्काइल्स में क्या हो सकता है बीटा एलिमिनेशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन, उसके थ्रू मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस का सिंथेसिस किया जा सकता है। अब यहां पर देखिए एक ये मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स है, मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स जो ये है इसमें ये आयरन के कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है और साथ में साइक्लोपेंटाडाइनाइल है और एक ये इसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस एल्काइल ग्रुप को अगर आप देखेंगे तो यहां पर बीटा पोजीशन पर क्या है इसके हाइड्रोजन है, यहां पर भी है और यहां पर भी है चाहे हम कहीं से भी करें। तो ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमने इसमें ये रिएजेंट मिला दिया है, ये जो CPH3 है ये इसमें से बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और HCPH3 बना देगा और यहां पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और आप देखेंगे कि इस तरीके से ये एक मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो जनरली जो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो एल्काइल से जब हम बनाते हैं तो हाइड्राइड एलिमिनेशन बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो सकता है या फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकता है, उसके थ्रू मेटल एल्कीन कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ मेटल एल्कीन कंपाउंड्स। जो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन शो करते हैं वो है इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन में आप देखेंगे कि एक एल्कीन लिगेंड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक एल्काइल लिगेंड में कन्वर्ट होता है। तो इंसर्शन अगर हम देखेंगे तो मेटल और एच इसके बॉन्ड में इस बॉन्ड के बीच में यहां पर इंसर्शन आसान होता है, बजाय अगर ये जो एच है ये कोई और ग्रुप अगर होगा तो उसमें उतना आसान नहीं होगा इंसर्शन जितना आसान MH बॉन्ड में होता है। दूसरा आप देखेंगे कि ये जो एल्कीन होती है इस एल्कीन में जितना अधिक स्ट्रेन होगा, ठीक है, मोर स्ट्रेन ऑन
एल्कीन ऑन एल्कीन, एल्कीन या एल्काइन पर जितना स्ट्रेन होगा उतना इजी होगा इंसर्शन, उतना ही इजी होगा इंसर्शन, क्योंकि ये क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा उसको, एल्कीन के स्ट्रेन को कम करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्काइल में। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इंसर्शन रिएक्शन में, एक तो ये कि जो इंसर्शन है वो एम एच बॉन्ड, एक्चुअली एम एक्स बॉन्ड, एक्स में भी मिथाइल ग्रुप, एक्स में भी एनी अदर ग्रुप, ठीक है, और ये एक्स अगर एच होगा तो इंसर्शन बहुत आसानी से होगा, अगर एक्स कुछ और होगा तो फिर वो उतना आसान नहीं होता है, और अगर एल्कीन्स या एल्काइन्स स्ट्रेंड होंगी तो वो जल्दी से इंसर्शन रिएक्शन शो करती हैं, क्योंकि उनका स्ट्रेन दूर होता है और वो एल्काइल में कन्वर्ट होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक इंसर्शन रिएक्शन जहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ए यू है, ठीक है, और इसको हम एमी को हम एक्स कहते हैं यहाँ पर, तो ये जो एल्कीन ग्रुप है जो जिसमें फ्लोरीन है ये कहाँ इंसर्ट होगा, ये ए यू और एमी के बीच में इंसर्ट होगा और इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मिलेगा कि ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर ये आसान है इंसर्शन क्योंकि जो ए यू और सी जो बॉन्ड है ये यहाँ पर बहुत स्टेबल बॉन्ड होता है, इसलिए ये इंसर्शन आसान है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी जहां पर आप देखेंगे कि ये इंसर्शन रिएक्शन का एक दूसरा उदाहरण होगा। एग्जाम्पल मैं यहां पर देखे लिख रही हूं पी टी, ओके, एच सी एल पी ई टी थ्री होल ट्वाइस, ये एक कॉम्प्लेक्स है और जब ये सी टू एच फोर से रिएक्ट करेगा तो इस, अब देखिए यहां पर क्या बॉन्ड है, पी टी एच बॉन्ड है, तो पी टी एच बॉन्ड पर क्या होगा, ये जो सी टू एच फोर है ये क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि पी टी एच बॉन्ड पर इंसर्शन आसान होता है, और ये क्या फॉर्म करेगा, पी टी सी टू एच फाइव, देखिए ये जो सी टू एच फोर है इसमें ये एच जुड़ गया, क्या बन गया, सी टू एच फाइव, क्योंकि इंसर्शन हुआ है सी एल पी ई टी थ्री ट्वाइस, तो ये इंसर्शन रिएक्शन है जो कि मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो एम एच बॉन्ड है वहां पर इंसर्शन आसान है, और यहां पर इसलिए आसान है क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है ए यू सी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड करती है कि स्ट्रेंड एल्कीन है या स्ट्रेंड एल्कीन होगी तो और आसानी से क्या होगा, इंसर्शन होगा। दूसरे तरीके की जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक आप जानते हैं लंग हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर में, जब हम ओलिफिन्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे मेटल एलिफिन्स के, वहां पर हमने अम्पोलंग पढ़ा था। अम्पोलंग का मतलब है कि अगर मैं बात करूं कि ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है और इसके साथ कुछ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और यहां पर इसके साथ एक एल्कीन ग्रुप जुड़ी हुई है, ठीक है, अब ये जो एल्कीन ग्रुप जुड़ी हुई है ये एल्कीन ग्रुप को अगर आप देखेंगे और इस मेटल को देखेंगे तो ये मेटल अगर मैं देखूं तो ये मेटल अगर पुअर पाई बेस है, पुअर पाई बेस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां दे नहीं पाएगा, बैक बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, और जब बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग तब होगी जब ये अच्छा बेस होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये जो कार्बन है इसको हम कह सकते हैं इट इज हैविंग स्लाइटली पॉजिटिव, आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए जो है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया, जबकि अगर हम फ्री एल्कीन्स को देखें तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है आसानी से, लेकिन अगर ये किसी मेटल सेंटर के साथ जुड़ जाए जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल सेंटर हो, जो कि रिच नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, तो ये जो सेंटर है कार्बन सेंटर दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स दी न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजिली अटैक करेगा, ये किस पर अटैक करेगा, इस ओलिफिन के कार्बन पर, और इस तरीके से ये एक आप देखिए जो जो डबल बॉन्ड को खत्म कर देगा और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के थ्रू रिएक्शन शो करेगा जिसे हम अम्पोलंग कहते हैं, इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, अम्पोलंग, जिसमें कि ये जो कार्बन है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए प्रोन हो जाता है जो ओलिफिनिक कार्बन है जब ये मेटल के साथ जुड़े, वो होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन कहां पर होगी, ऑक्सीडेट
रिलेटिव एडिशन वहां पर होगी जहां पर एल्कीन में एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जैसे मॉलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स है, डीपीई लिगेंड है जो कि पीएच टू सी एच टू है ये लिगेंड, और यहाँ पर एक प्रोपीन जुड़ी है जो कि ईटा टू है, यहाँ पर ये ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये प्रोपीन है। अब ये इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप है, जो ये एल्कीन ग्रुप था, ये एल्कीन ग्रुप एलाइल ग्रुप की तरह एक्ट करने लगेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करेगा और इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो देखिए अलग हो गई और अलग होके ये कहां जुड़ गई, यहां। तो आप देख सकते हैं कि जो MODPE ट्वाइस था यहां पर इस एलाइल ग्रुप का और इस एच का यानी CH ग्रुप का ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, एडिशन हो गया है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है, इस रिएक्शन को कहते हैं। और इस रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है, ये बनता है मेटल एलाइलिक हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। तो ये एलाइलिक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, डायरेक्ट अटैच हो गए तो मेटल एलाइलिक हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। इस तरीके के केस में आप देखिए ये जो हाइड्रोजन है, जो एलाइलिक हाइड्रोजन है इस ओलिफिन में, ये एलाइलिक जो हाइड्रोजन है, ये एलाइलिक हाइड्रोजन यहां से निकल के इस एमओ पर जुड़ जाएगी डायरेक्ट और ये एलाइलिक ग्रुप बन जाएगा जो कि ईटा थ्री होगा। तो इस तरीके से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है। और कुछ केसेस में क्या होता है, अगर हम स्ट्रांग बेस यूज करें तो वो उस जो हाइड्रोजन अटैच था यहाँ पर हाइड्राइड की तरह, वो उस हाइड्राइड को, उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके इस तरीके के एलाइलिक कॉम्प्लेक्स बना सकती है। तो इसका मतलब है कि जो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स हैं, दे आर हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ एलाइलिक कॉम्प्लेक्सेस आल्सो, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, उसको हम समराइज करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि जो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मेन 3 मेथड से बनाए जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब मेटल अपनी लो वैलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं और यहां पर ओलिफिन से रिएक्शन करेंगे, और जब अपनी हाई वैलेंट में होंगे तो उसके लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होगी और ओलिफिन की प्रेजेंस में वो जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी और ओलिफिन का फॉर्मेशन होगा। देन आपने देखा जो तीसरा मेथड है मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्सेस में, जनरली बीटा एलिमिनेशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। फिर आपने रिएक्शंस देखी, 3 तरीके की रिएक्शंस देखी। एक इंसर्शन रिएक्शन जहां पर आपने देखा एम और एच की बॉन्ड के बीच में इंसर्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है क्योंकि अम्पोलंग शो करता है ये मेटल ओलिफिनिक जो बॉन्ड होता है। और आप देखेंगे एक्चुअल में जो ओलिफिन होता है उसका जो कार्बन है वो अम्पोलंग शो करता है जब वो मेटल से बाइंड होता है। तीसरी तरीके की रिएक्शन आपने देखी, ऑक्सीडेटिव एडिशन, और ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन एंड रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस। Thank you very much.